अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग बाबा। मैं अभी आज व्लॉग का स्टार्ट किया है। सुबह बच्चों के लिए स्कूल का नाश्ता बना रही हूँ, नाश्ता नहीं सॉरी लंच बना रही हूँ, नगेट्स बना रही हूँ उनके लिए। चिड़ियों को खाना डालकर आई थी परिंदों को बाहर, क्योंकि वो जो है ना फिर आते हैं खाने के लिए, तो वो बना मैं डाल देती हूँ लाजमी तौर पर, ज़रूरी होता है। तो मैंने कहा कि चलो, बहुत सर्दी हो गई इधर हमारी तरह बहुत ज़्यादा, तो आज मुझे थोड़ा सफाई का भी काम है। बच्चों ने काफ़ी चीज़ें फैला रखी हैं, फहद ने अपने ये देखें टॉयज सारे कैसे फैलाए हुए, और ये सारे चीज़ें या साफ़ करूँगी, और देखते हैं भी खाने में क्या बनता है। आप तो साथ साथ ही रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, और वीडियोज़ को आखिर तक देख रख दिए। ये देखें बाहर के नज़ारे, वही हवा चल रही है, दरख्त कैसे ज़ोर ज़ोर से हिल रहा है। मैं जल्दी जल्दी बच्चों का लंच बनाती हूँ, इनको तैयार करके स्कूल छोड़ने जाते हैं, और फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना है। ये बच्चों के मास्क मंगाए थे मैंने ऑनलाइन अमेज़ॉन से, तो ये कह रही थी कि मम्मा आज आप इनको जो है ना वॉश करके रख दीजिएगा। तो एक मैंने अभी निकाला है बाहर, ये देखें ये टाई एंड डाई के बने हुए बड़े खूबसूरत मास्क हैं ये। और क्योंकि अब कोरोना ने तो कहीं जाना नहीं है, कोरोना नहीं तो ओमिक्रॉन, तो मास्क पहने तो बहुत ज़रूरी है, तो मैंने फिर इसलिए बच्चों के ये मंगा लिए हैं। मैं कहा ये थोड़ा इस्तेमाल कर लेंगी, जब ख़राब होंगे तो फिर नए मंगा लेंगे। ये वॉशेबल मास्क हैं कपड़े के बने हुए बड़े खूबसूरत, और बच्चों के मुंह के हिसाब से, क्योंकि बच्चों के चेहरे छोटे होते हैं तो बड़े जो मास्क होते हैं ना वो फिर बहुत अजीब लगते हैं, तो इसलिए हम हमेशा बच्चों के लिए जो है ना पहले मैंने यहाँ से ख़रीदे थे मार्केट से, वो तकरीबन $3 का एक मास्क था, तो मैंने अब ये ऑनलाइन मंगाया। इसमें और भी हैं दूसरे अलमारी में पड़े हुए, लेकिन अभी ये सामने थे तो मैंने कहा मैं आपको भी दिखाऊं। ये बड़े खूबसूरत है, ये देखे लिखा भी हुआ है एंटी बैक्टीरियल एंड क्विक ड्राइंग, यूवी ब्लॉक कूल कंफर्ट, यानी कि ये अल्ट्रा वायलेट रेस से भी बचाते हैं आपको, और बैक्टीरिया भी नहीं जाता है, जल्दी खुश्क हो जाते हैं। इनको भी जो है ना अभी मैं धो के रखती हूँ, ताकि बच्चों के अब स्कूल स्टार्ट हो गए हैं, नया साल है, तो इतने होने चाहिए मास्क रिजर्व में धुले हुए कि अगर बच्चे उससे नहीं भी धोया है तो उनके पास नया तो हो कम से कम पहनने के लिए। अच्छा, मैं बनाने लगी हूँ खाना, गोश्त का सालन, और ये देखें इसमें मैं डालूँगी 3 बड़ी इलायची है, 2 तेज़पात के पत्ते हैं, दालचीनी के चंद टुकड़े, चंद लौंग हैं। तो मैंने कहा खाना बना के रख लेती हूँ, फिर ज़रा टाइम सेव हो जाता है अगर आप जल्दी सारा काम कर लेते हैं तो। खैर, ये मैंने तेल में डाल दिए, और अभी ये जब अच्छे से भून गए हैं ये देखें, तो इसके अंदर मैंने डाल दी है प्याज, एक बड़े साइज़ की कटी हुई प्याज मैंने डाल दी है इसके अंदर, इसको मैं भून लेती हूँ। ये देखें प्याज यहाँ पे ब्राउन हो गई है, और अब जो है अब हम इसके अंदर गोश्त ऐड करेंगे। हम बकरे का गोश्त यूज़ कर रहे हैं, मटन का जो गोट होती है, तो ये रेसिपी आप चिकन से भी बना सकते हैं, बीफ से भी, बहुत मज़े का सालन बनता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। गोश्त को अच्छी तरह से भून लें, और ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये घर का ताज़ा भी मैं कर लेती हूँ, लेकिन अमूमन जो है हम ये भी ले आते हैं जो पिसा हुआ मिलता है मार्केट से किसी भी अच्छे ब्रांड का, तो उससे ये होता है ज़रा टाइम सेव हो जाता है। तो ये मैंने भर के जो है तकरीबन 1.5 स्पून डाल दिया इसके अंदर। बस खाना बनाने का दिखाने का मकसद ये नहीं होता है कि मेरा कुकिंग चैनल है दोस्तों, लेकिन हम जो बनाते हैं आपके साथ शेयर करती हूँ तो अच्छा लगता है। यू आर माई फैमिली फैमिली फैमिली, तो मेरी प्यारी फैमिली, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। और ये मैंने इसमें टमाटर भी डाल दिए हैं 2 काट के बड़े बड़े। अच्छा, मैं आज आपको एक चीज़ में शेयर करती हूँ आपके साथ। पहले मैं टमाटरों को ना बहुत बारीक काट के डालती थी, तो क्या होता था कि जब टमाटर भुन जाते थे उनका बारीक बारीक छिलका बीच में आ जाता था, फिर उसको सेपरेट निकालो क्योंकि वो अजीब सा लगता है। पहले मसाले बता दूँ, ये चिकन क्यूब है, धनिया है पिसा हुआ इसके अंदर, वो देखें लाल मिर्चे हैं, हल्दी है, और काली मिर्चे हैं, और ज़ीरा पाउडर था ये जो मैंने इसमें डाला है। अच्छा, तो मैं क्या कह रही थी, हाँ, तो वो टमाटर बड़े इरिटेट करते थे। अब मैंने क्या सीखा, मैंने क्या सोचा कि क्या करूँ, अब मैं टमाटरों के, और ये मैं आपको भी बड़ी अच्छी टिप बता रही हूँ, टमाटर के या तो 2 टुकड़े करके डालें बड़े बीच में से काटकर, या ऐसे करके एक टमाटर के 3-3, 4-4 पीस करके वो पूरे डाल दें आप खाने में। उसके बाद आप उसको, जाहिर है जैसे मैंने भुना है, ये भून के आप ढक देंगे। अब आप देखिए इसमें कोई टमाटर का छिलका नहीं दिख रहा है, क्यों? वो छिलका नरम हो जाता है 2-3 मिनट में, और उसके बाद उसको आप निकाल लें।
छिलके को, और फिर आप टमाटरों को भुने। तो ये मैं बना रही हूँ गोश्त वाला, सॉरी पानी वाला गोश्त जो होता है शोरबे वाला, तो ये मैंने इसके अंदर डिजायर्ड वाटर डाल दी है, तो अभी मैं इसको ढक के रख दूँगी पकने के लिए। ये देखिए आप, ये डाल दी 2 मिर्चें इसके अंदर, ज़रा मिर्चों से अच्छा टेस्ट आ जाता है। काट के डालती नहीं हूँ मैं, आपको मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, बच्चे जो है बाहर। हाँ मम्मा को देखो, मम्मा को। ओह माय गॉड, बिस्मिल्लाह, आराम से। हाँ जी, तो यहाँ पे देखें ये, अब माशाल्लाह से सालन ऑलमोस्ट तैयार हो गया, और ये जो मिर्चें हैं ये मैं निकाल रही हूँ बाहर। आप चाहें तो सालन में भी छोड़ दें, मैं निकाल देती हूँ। हर किसी का अपना एक तरीका कार होता है, और जहाँ से कोई अच्छी चीज़ मिले सीख लेना चाहिए, मेरे ख्याल में अच्छा होता है ये। तो दोस्तों खाना ऑलमोस्ट बन गया है, तो अब बस इसको फाइनल टच दे के मुझे जाना है मार्केट, और फिर आप भी साथ चलिए, मुझे कुछ घर की कुछ चीज़ें लेनी है, एक दो तो चले चलते हैं। हम लोग आके हैं मार्केट में, और ये देखें यहाँ पे सब ब्यूटी प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं, लेकिन काफ़ी हद तक जगह जो है वो खाली है, कोई ख़ास सामान दिख रहा नहीं है, क्योंकि अभी क्रिसमस की शॉपिंग भी बहुत बड़ी होती है यहाँ पे, और थैंक्स गिविंग की भी हुई है, तो बस इन्होंने टामा टामा चीज़ें सजाई हुई हैं इधर उधर करके। आजकल जब से वैसे कोविड आया, मैंने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा दुकानों की जो हालत है ना, वो पहले जैसी नहीं रही है, यानी कि सामान रुक गया था, नहीं आया। ये देखें ज़रा, इन्होंने चीज़ें तो सजाई हुई हैं लेकिन इतनी को ख़ास नहीं है, ये मुख्तलिफ किस्म की प्रोडक्ट्स पड़ी रहती हैं, ये डिओड्रेंट्स थे, पता नहीं क्या क्या, लेकिन जो चीज़ मैं चाह रही थी वो मुझे मिली नहीं। अब आप ये देखिए, इस पूरी शेल्फ के अंदर ये 2-3 क्रीमें पड़ी थी, एक तो मैंने ले ली है डव की, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है, और फिर सर्दियाँ हैं, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ अमेरिका में ना, या जो भी ममालिक हैं ठंडे, वहाँ पे घरों में हीट चलती है बहुत ज़्यादा, तो उसका नुकसान ये होता है कि नाक भी खुश्क हो जाता है, आपका नाक बंद हो जाता है, दूसरा आपकी स्किन इतनी ड्राई हो जाती है, मेरी तो स्पेशली होती है भाई, औरों ने भी किया होगा तजर्बा, जो जो लोग ऐसे जगहों पे रहते हैं, अगर आप अच्छे से खुद को मॉइस्चराइज़ नहीं करते हैं ना, तो आपकी स्किन बहुत बुरे तरीके से रैशेज आ जाते हैं और ड्राइनेस हो जाती है। तो हमारे घर में ज़रूर ज़रूर मैं ये क्रीम या लोशन, ये ऐसी चीज़ें लाजमी पड़ी होनी चाहिए, ताकि आप फ़ौरन यूज़ कर लें। ये जो डिफरेंट किस्म के प्रोडक्ट्स आजकल मार्केट में, या आप देख लें वो कोरियन ब्यूटी के जो मास्क आए हुए हैं, और के ब्यूटी जिसको बोलते हैं, सब कुछ कर लिया है, सब कुछ करके देख ले इंसान, लेकिन एक बात जो है मेन चीज़ वो ये है कि आपको पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन की हालत बेहतर रहे, और पानी हम लोग पीते नहीं है, पता नहीं क्या है, कैसे लोग पी लेते हैं, दिन के 8-10 ग्लास पूरे कर लेते हैं, मुझे भी कोई मशवरा बताइए, क्योंकि पानी पीने के मामले में ना सिर्फ मैं, बल्कि मुझे समटाइम्स फील होता है हमारी पूरी फैमिली बहुत स्लो लेवल पर जाती है पानी पीने में। ये देखें, ये कपड़े जो हैं, ये जैसे वो होते हैं ना बड़े ट्रेडिशनल से, या वो अफ्रीकन स्टाइल के, ये वो शर्ट लगी हुई थी, तो बड़ी प्यारी लग रही थी, ये मैं आपको दिखा रही हूँ सारा। ये इनके जो बच्चों के बाबा हैं वो अपनी चीज़ें ले रहे थे, और मैं, फहद मेरे साथ थे। ये देखें कितना ज़्यादा सामान कम है, कोई इतना ख़ास चीज़ दिख रही नहीं है। ये ऑयल पड़े हुए थे यहाँ पे, प्रो ग्रोथ, बालों की ग्रोथ बढ़ाने के लिए, ये मैंने एक दफ़ा पहले भी लिया था इस किस्म का तेल, इसकी खुशबू बहुत तेज़ होती है, तो इस्तेमाल मैंने किया था, लेकिन इतना कोई ख़ास फ़र्क महसूस नहीं हुआ। मैंने जो तजर्बा करके देखा वो ये है कि अगर आपको चाहते हैं आपके बाल अच्छे घने हो, ऑयलिंग करें रेगुलरली, यानी कि ट्वाइस अ वीक तो कर लें, या वंस अ वीक तो लाजमी करें, और कैस्टर ऑयल बहुत अच्छा है, उसके अंदर कोई भी जैतून या कोकोनट ऑयल मिला के लगा लें तो बहुत अच्छा होता है बालों के लिए। खैर यहाँ जब से मैं अमेरिका आई हूँ मेरे बाल बहुत गिरे हैं, मेरा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हुआ है, बाल कमज़ोर हुए क्योंकि पानी चेंज हुआ मेरा, और फिर आपको पता है इंसान परदेश में स्ट्रेस्ड आउट होता है, तो अब आहिस्ता आहिस्ता जो है अल्लाह ताला ने चाहा तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि बाल जो है अपनी पहले वाली कंडीशन पे आ जाएं।
तो दोस्तों ये था आज का व्लॉग, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करते हैं। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह ताला हर तरफ अपना फजल और खैर बनाए रखे हम सब पे, आमीन सुम आमीन इंशाल्लाह ताला। तो फिर मुलाकात होगी दोस्तों, यहाँ पे लेना क्या है थे, कुछ आएगा ही नहीं है, देखें सब कुछ तो खाली है, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।